सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुश होंगे। तो गाइस आज का वीडियो में मैं ब्लूटूथ स्पीकर का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एंड साथों साथ आपको कुछ रिव्यू करके दिखाऊंगा, जैसे कि उसका साउंड क्वालिटी कैसा है, उसका बेस क्वालिटी कैसा है, उसका ट्यून वगैरह कैसे आता है, थोड़ा कुछ मैं रिव्यू करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली आपको चला के दिखाऊंगा वीडियो का एंड में जाके। तो गाइस चलिए वीडियो का फटाफट शुरू कर लेता हूँ। लेकिन आपने तो मेरे चैनल पे आ ही गया, तो चैनल को दबा के लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गाइस वीडियो का फटाफट शुरू कर लेते हैं। गाइस यहां पे आप देख सकते हैं जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये बोट कंपनी का है, इसको मैं आज अनबॉक्सिंग करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इतना भारी थोड़ा लग रहा है, कम से कम 5 kg से वेट तो ज़्यादा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बोट कंपनी का, आप आराम से देख सकते हैं। एंड ये बॉक्स के ऊपर मैं आपको कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी दे के रखा है, आप यहाँ पे देख लीजिए। मैं आपको जूम आउट करके जूम करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो मैं इसको करता हूँ ओपन, तो चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं ये पैकेट को काट किए थे तो मैं ऐसे ही यहाँ से ओपन कर लूँगा, तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस ओपन करने से पैकेट के ऊपर एक आपको ऐसे कुछ पेपर आपको आ जाता है, चलिए नो इश्यू। एंड साथों साथ दोस्तों यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाता है, बॉक्स के अंदर कुछ होगा शायद, तो इसको ओपन करने के बाद ही पता चलेंगे। यहाँ पे रख देता हूँ एंड फाइनली हम लोग इसको ब्लूटूथ स्पीकर को ओपन कर लेते हैं। गाइस फाइनल यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर को ले चुका हूँ, ये खाली बॉक्स, इसका कोई जरूरत नहीं, तो इसको कर देता हूँ साइड। एंड यहाँ पे ये थर्मोकोल को भी निकाल देता हूँ। फाइनली दोस्तों आगे हाथ में बहुत वेट है, 5 kg से तो ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो इस पेपर को भी ओपन करके देखता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मेरा हाथ में आ चुका है एक बोट कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर है। तो इसका वेट भी बहुत ही अच्छा है एंड साथ ही साथ इसका प्राइस भी बहुत ही अच्छा है। तो इसका क्या प्राइस वगैरह मैं वीडियो के एंड में जाकर आपको बता दूंगा, सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो बोट कंपनी का आपको लोगो यहाँ पे दिख रहा है, पूरा इसको ब्रांडेड एक लोगो दे के रखा है। एंड ये जो स्पीकर है इसको ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बटन आपको दिख रहा है, ये आपका पावर बटन है, इसको दबा के रखने से ऑन होगा। एंड ये तो वॉल्यूम का बटन है, सभी को पता है ये वॉल्यूम कम होता है, ये वॉल्यूम ज़्यादा होता है। एंड ये जो बटन है ये आपको पता नहीं चल रहा है, मेरे को भी पता नहीं चल रहा है, तो इसको चलाने के बाद पता चल जाएगा किस काम के लिए दिया गया है। एंड साथ यहाँ पे 2 हुक लगाने के लिए कुछ जगह दिया गया है, तो देखेंगे शायद इसके अंदर हुक वगैरह कुछ हो जाएगा। एंड गाइस इसके साथ और कुछ क्या मिल रहा है, हाँ, 2 साइड में 2 ब्लूटूथ स्पीकर है, यहाँ पे 2 साइड में 2 स्पीकर लगा के रखा है, इधर एक। टोटल यहाँ पे आपको 40 वाट का स्पीकर दिया गया, ये 20 आपको दिया गया। एंड साथों साथ दोस्तों यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है, कंपनी का नेम एंड मॉडल नंबर वगैरह यहाँ पे आपको देख रहा है, शायद देख लीजिए कंपनी नेम मॉडल वगैरह कुछ देख रहे हैं। एंड यहाँ पे कुछ इसके अंदर कुछ है, देख लेते हैं। ओ फाइनली गाइस इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर आपको आप पहले देख लीजिए, इसके अंदर गाइस यहाँ पे आपको ऑक्स केबल दे सकता है, USB कनेक्ट कर सकता है एंड चार्जर यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है। एंड यहाँ पे जो चार्जर दिया गया है सी टाइप का यहाँ पे चार्जर दिया गया है। तो ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है 3 तरीके से इसका मजा उठा सकता है, ये क्या तो ब्लूटूथ कनेक्ट कर ही सकता है, साथों साथ आप ऑक्स केबल से भी इसको चला सकता है एंड USB से आप चला सकता है। चलिए अभी ये बॉक्स को ओपन कर देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे साइड कर देते हैं जो आपको देखने के लिए काफी मजेदार लगेगा। एंड ये जो बॉक्स है इसको ओपन करके देखता हूँ, किधर से ओपन करो। ओ सेट। तो गाइस बॉक्स के अंदर पहले क्या मिल जाता है मेरे को, एक कुछ कैसे यूज कर सकते हैं, मॉडल नंबर वगैरह ये सब आपको दिया गया है, कैसे यूज करेंगे ये सब डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो ये तो हर कंपनी के जैसा, हर कंपनी इसके जैसा देता है, इस लाभ लेटर जैसा आपको प्यार से दे देता है, तो आपको भी देख लेना चाहिए। तो ये सब तो हमको पता है इसके बारे में कौन सब पड़ेगा, तो इसको करता हूँ साइड। एंड साथों साथ यहाँ पे दोस्तों एक वारंटी कार्ड मिल जाता है गाइस, यहाँ पे 1 साल का आपको वारंटी यहाँ पे कार्ड दे रहा है ये लोग। तो यहाँ पे आपको एक स्कैन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। एंड ये जो ये हीरोइन है ना, मेरा फेवरेट है, आप देख लीजिए आपका फेवरेट है कि थोड़ा कमेंट करके बताना, ये हीरोइन मेरा बहुत फेवरेट है, ठीक है, मैं तो बहुत अच्छा लाइक करता हूँ। तो यहाँ पे चलिए वो बात को, यहाँ पे 1 साल का आपका वारंटी दिया गया है ये ब्लूटूथ स्पीकर का ऊपर में। एंड साथों साथ गाइस यहाँ पे आपको कुछ
जो लोग ये स्पीकर को ब्रांड करता है, आई मीन प्रोमोट करता है, ब्रांड एम्बे क्या बोलते हैं उसको, जो इसको प्रोमोट करता है, उन लोगों को सब डिटेल्स दिया गया है। एंड इस कंपनी का, बोट कंपनी का क्या क्या आपको प्रोडक्ट है सब कुछ यहाँ पे, कुछ कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं कुछ कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे। हमारा नेहा सर, नेहा मैडम जी भी है, सब कुछ है, पीछे भी है। तो ये सब मैं करता हूँ साइड, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। एंड गाइस यहाँ पे जो बोल रहा हूँ था, मैं यहाँ पे हुक लगाने के लिए जगह है, ये उसका ये है लगा के, अब इसे टांग के लेके जा सकता है, तो इसको करता हूँ साइड। एंड गाइस यहाँ पे एक आक्स केबल आपको मिल जाता है, इसके साथ आप लैपटॉप को मोबाइल को कनेक्ट करके इसको प्ले कर सकते हैं। एंड साथों साथ यहाँ पे एक आपको क्या बोलते हैं इसको, डाटा केबल मिल जाता है। एंड ये सी टाइप का डाटा केबल, आप इसको चार्ज कर सकते हैं, आपका फ़ोन का जो चार्जर है सी पिन है उसके साथ आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये सब मैंने साइड कर देता हूँ, अभी बात करते हैं इसका ऊपर। तो गाइस ये फाइनली मैं आपको सब कुछ दिखा दिया हूँ, ये ब्लूटूथ स्पीकर है, अभी टाइम आ चुका है इसको ऑन करने का। एंड गाइस यहाँ पे 4000 एमएएच का बैटरी दिया गया है, एंड इसको 8 घंटा का बैकअप दिया जाएगा। बट अभी तो फिलहाल हमको पता नहीं चलेगा कि रियल में 8 घंटे का बैकअप देगा या नहीं देगा, तो इसको मैं प्ले करके दिखता हूँ। एंड बाद में कुछ दिन बाद, एक हफ्ता बाद इसे यूज़ करने के बाद, मैं आपको रिव्यू वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको रिव्यू वीडियो चाहिए इसका ऊपर में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ इसका ऊपर रिव्यू वीडियो चाहिए कि नहीं, तो मैं इसका ऊपर एक रिव्यू वीडियो में करूँगा, उस टाइम मैं बता दूंगा। इसका पहले भी मैंने एक बोट का एक अनबॉक्सिंग किया था, साथ साथ रिव्यू भी किए थे, तो उस वीडियो में अच्छा खासा व्यूज़ मिला था, अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला था। तो आप लोग भी इसमें अच्छा खासा रेस्पॉन्स कीजिए। एंड इसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो फाइनली टाइम आ चुका है इसको ऑन करने का, एंड आपको देखने का प्ले करके कैसे इसको साउंड आता है। मेरे हिसाब से तो अच्छा आएगा, क्योंकि पहले वाला जो ब्लूटूथ स्पीकर था उसमें 10 वाट का स्पीकर था, यहाँ पे 40 वाट का स्पीकर है। ओह वाह, तो कैसे आएगा देखते हैं। तो पहले इसको ऑन कर लेते हैं। पावर ऑन। You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. Yes, your device is ready to pair. Guys, यहाँ पे Bluetooth speaker on हो चुका है, and साथ साथ यहाँ पे green light आपको, I mean आपको दिखेगा नहीं, तो अगर आप ये प्रोडक्ट खरीद करते हैं तो आपको यहाँ पे ग्रीन लाइट दिखेगा, यहाँ पे दो व्हाइट लाइट जल रहा है। एंड जब चार्ज इसका कम हो जाएगा, ये ग्रीन लाइट रेड लाइट में बदल जाएगा, इसका जो रंग बदल देंगे। तो फिलहाल अब इसको ऑन करके देखता हूँ इसको कैसा आपको फील होता है। एंड गाइस वीडियो का अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड चलिए देखता हूँ इसको ऑन करके कैसे इसका साउंड आता है। चलिए म्यूजिक। गाइस आपने तो वीडियो को देखा, इसको प्ले करके आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया हूँ कैसा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड गाइस अगर आप चाहते हो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में फॉलो करने के लिए, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल सभी को मेरे साथ बिताने के लिए, मेरे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, जबरदस्त मैसेज, तब तक के लिए बाय बाय।